हेलो, आज वीडियो में मैं आपको विपणन की अवधारणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विपणन की अवधारणा क्या होती है और कितने टाइप की होती है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो विपणन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ आप जान रहे थे अवधारणा क्या होती है, तभी तो हमारा परिभाषा बनेगी। तो अवधारणा समझने के लिए फर्स्ट ईयर में बताया था मैंने आपको कि फर्म की अवधारणा क्या होती है, वैसे अवधारणा की बात कर रहे हैं आप। अवधारणा का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के माइंड में, कहां पर माइंड, जब किसी व्यक्ति के माइंड में किसी भी वस्तु, यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी सेवा हो सकती है और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है, जब कोई व्यक्ति के माइंड में किसी वस्तु, सेवा या व्यक्ति को देखने के बाद कोई इमेज बनती हो, यानी कि इसे देखने के बाद क्या बनती है, इमेज, जो इमेज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, अवधारणा बोलते हैं। यानी कि मैंने किसी व्यक्ति को देखा, किसी वस्तु को, किसी सेवा को, और देखने के बाद मेरे माइंड में क्या इमेज बन रही है उसके लिए, जो इमेज बन रही है यानी इमेजिंग करना, ऐसे इमेजिंग करना, तो इमेजिंग आपने की तो क्या इमेज बनी है आपके माइंड में, क्या चलाएगी, अवधारणा चलाएगी। और जब परिभाषा की बात करें विपणन अवधारणा क्या होती है, तो विपणन से संबंधित जो जो विचार होते हैं, जो जो आइडियाज होते हैं, जो मार्केटिंग एक्टिविटी करने के लिए यूज ली जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विपणन अवधारणा बोलते हैं। अब ये तो है परिभाषा की बात, लेकिन इसे टैक्स क्या क्या होते हैं ये मैं आपको भी बता देता हूँ। टैक्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानना, टैक्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, विपणन की अवधारणा के टाइप कौन कौन से हैं। देखो विपणन की अवधारणा दो टाइप की होती है, टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। पहली कंसेप्ट जो है वो है ट्रेडिशनल, प्राचीन अवधारणा, प्राचीन अवधारणा, और सेकंड जो है आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, आधुनिक अवधारणा। दो भागों में बांट दिया, अब दो भागों में बांट दिया, प्राचीन मतलब पहले की पुरानी, आधुनिक मतलब जो वर्तमान में चल रही है, अब दोनों में क्या क्या शामिल होती है इसके बारे में बात। प्राचीन अवधारणा यानी ट्रेडिशनल कंसेप्ट तीन टाइप से होते हैं, तीन टाइप कौन कौन से हैं, पहला प्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलेंगे उत्पादन अवधारणा, सेकेंड अवधारणा कौन सी है, प्रोडक्ट उत्पाद अवधारणा, ये उत्पादन है और ये उत्पाद उत्पाद अवधारणा। थर्ड सेल्स कंसेप्ट, सेल्स कंसेप्ट यानी विक्रय अवधारणा, इनके बारे में बात की बात करेंगे हम। तो जो प्राचीन अवधारणा तीन टाइप की होती है, पहली उत्पादन अवधारणा, दूसरी प्रोडक्ट उत्पाद अवधारणा, थर्ड सेल्स कंसेप्ट यानी विक्रय अवधारणा। अब बात कर लेते हैं आधुनिक, आधुनिक तीन टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, पहली मार्केटिंग यानी कि विपणन अवधारणा, विपणन अवधारणा, सेकेंड सोशल मार्केटिंग यानी सामाजिक विपणन अवधारणा। बहुत सिंपल है कि मोड विपणन की अवधारणा दो टाइप की होती है, प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। प्राचीन अवधारणा तीन टाइप की होती है, पहला उत्पादन, सेकेंड उत्पाद और थर्ड सेल्स। उसी तरह से मॉडल दो तरह की होती है, पहली मार्केटिंग और दूसरी सोशल
मार्ग। तो ये तो हुए इसके टैक्स, ठीक है। अर्थ क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। आपका देखो उत्पादन और दान, सिंपल सी बात है कि हमारा ध्यान जो है इस विचारधारा का केवल ये विचारधारा होती है कि हमारा ध्यान जो है केवल उत्पादन पर होना चाहिए। वस्तु बनाए दो आप, हमारा स्टोर जो होता है शॉप जो होती है फुल होनी चाहिए वस्तु से, चाहे सेल्स हो चाहे लाभ हो। वस्तु अच्छी बन रही है खराब बन रही है इससे कोई मतलब नहीं है। वस्तु पसंद की जा रही है या नहीं की जा रही है इसको इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है, से मतलब इससे है कि जहां वस्तु सेल की जाएगी वहां पे वस्तु की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये उदाहरण अभी कुछ कमियां है इसमें, कमियां क्या है कि वस्तु तो आपने बना दी लेकिन वस्तु जब अच्छी नहीं बन रही है, जब सेल से नहीं हो रही है तो क्या ये यूजफुल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब विचारधारा क्या होगी, फेल होगी, नई विचारधारा आएगी। इस स्थान पर उत्पाद अवधारणा, उत्पाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु या सेवा जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्टि प्रदान कर दे, क्या कहलाती है उत्पाद। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अवधारणा बताती है कि हमारा ध्यान कहां चाहिए, वस्तु की क्वालिटी। वस्तु बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी वस्तु बनाओ आप, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वस्तु जितनी अच्छी होगी उसकी प्राइस क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो क्या सभी लेवल के जो पर्सन होते हैं लोअर क्लास मिडिल क्लास क्या उन्हें परचेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये विचारधारा क्या होगी, फेल होगी, क्योंकि मूल्य बढ़ गए आप। तो नेक्स्ट क्या आगे, सेल्स कंसेप्ट। सेल्स कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि वस्तु की विक्रय होनी चाहिए, कि वस्तु आपको सेल करनी है, चाहे 100 टन में सेल कर दो आप, सिंपल सी बात है 100 टन में आप सेल कर दोगी, लेकिन क्या वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल कंसेप्ट में केवल सेल्स पे ध्यान दिया आपने, विक्रय पे ध्यान दिया है, संतुष्टि पे ध्यान नहीं दिया, कस्टमर क्या चाहता है, सुनिश्चित क्या है, इस पर ध्यान आपने नहीं दिया। इससे विचारधारा क्या होगी, फेल होगी। इसे नई विचारधारा आएगी हमारे पास, उसका नाम क्या है, आधुनिक अवधारणा, सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आए थे, और दो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला है विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि हमें वस्तु बनाने से पहले कस्टमर की नीड्स क्या है उसको जानना चाहिए, नीड्स को जानने के बाद उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वस्तु मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, और वस्तु मैन्युफैक्चर करने के बाद उन्हें सेल करने के लिए सेल्स प्रमोशन करना चाहिए। बहुत अच्छी परिभाषा है, अच्छी कंसेप्ट है। लेकिन सबसे बड़ी कमी इसी क्या है कि यहाँ पर सोसाइटी समाज पर ध्यान नहीं दिया गया, समाज पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस विचारधारा में विपणन विचारधारा में समाज की अवहेलना की गई है, इसलिए विचारधारा इतनी अच्छी नहीं है। तो नई विचारधारा सामने आई है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। वर्तमान में यही विचारधारा चल रही है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि कस्टमर क्या चाहता है ये तो बात सही है, उन्हें सेटिस्फाई भी करना है, लेकिन साथ साथ समाज की अवहेलना नहीं करनी है। कोई ऐसी वस्तु उपलब्ध नहीं करवानी है जिससे समाज को दोष हो, पर्यावरण प्रदूषित हो। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मार्केटिंग करनी है। तो वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बेस्ट परिभाषा जो है, बेस्ट कंसेप्ट जो है, वो कौन सी है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। एक बार मैं सोचना तो आपको बता दूं, देखो मार्केटिंग कंसेप्ट दो टाइप की होती है, पहली कौन सी है प्राचीन ट्रेडिशनल, दूसरी कौन सी है मॉडर्न। ट्रेडिशनल की बात की जाए तो तीन टाइप की होती है, फर्स्ट उत्पादन अवधारणा जो केवल उत्पादन पे ध्यान देती है, केवल वस्तु बनानी है चाहे सेल्स हो ना हो, अच्छी वस्तु बन रही है खराब बन रही है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सेकंड कौन सी आई, उत्पाद अवधारणा, और ये क्या बोलती है कि वस्तु बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे मूल्य क्या हो जाए
बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी कमी क्या थी इसकी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि यहाँ पर सभी लेवल के जो पर्सन होते हैं मिडिल क्लास लोअर क्लास उन पे ध्यान नहीं दिया गया, वस्तु की मूल्य क्या होंगे ज्यादा होंगे। सेल कल्चर क्या होती है तीसरी अवधारणा ये बोलती है कि आपका ध्यान तो मिडिल पे होना चाहिए, चाहे सेटिस्फाई हो चाहे ना हो, ये कस्टमर आपके पास आता है तो सेल्स होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म अच्छी भी आता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट नहीं है। तो नई अवधारणा आई, उसका नाम क्या है आधुनिक अवधारणा। और आधुनिक अवधारणा दो टाइप की होती है, पहली मार्केटिंग, वो मार्केटिंग में क्या होता है कस्टमर को जाना जाता है, सर्विस को जाना जाता है, जानने के बाद उसको बनाई जाती है और सेल करने के लिए सेल्फ प्रमोशन किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी क्या है, सोसाइटी में ध्यान नहीं दिया गया। तो नई अवधारणा आई, इसका नाम क्या है सामाजिक विपणन अवधारणा। तो ये क्या बोलती है कि कस्टमर की नीड्स भी जानना है, सोसाइटी पे ध्यान भी देना है, पर्यावरण को प्रदूषण भी ना पहुंचाना नहीं पहुंचाना है और साथ साथ ऐसी वस्तु बनानी है जिससे समाज की कल्याण समाज की वेलफेयर संबंधी जो एक्टिविटी होती है वो भी पूरी होती रहे। तो उपरोक्त सारे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद निष्कर्ष रूप में ये कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट जो कंसेप्ट है वर्तमान में वो तो कौन सा है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये आपको इतना बताना है एग्जाम में, इतना ही आपको समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो ये टॉपिक जो है अपन ये समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी जिस किसने भी एडमिशन नहीं लिया है वो तुरंत अपना एडमिशन ले ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर तो परमाउंट हो ही चुकी है, जैसे कोई डाउट है ही नहीं। सेकेंड ईयर की एक तारीख से ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली है जैसा कि गवर्नमेंट के आदेश आए हुए हैं वर्तमान में, और ऑनलाइन जब तक चल ही रहा है तो जितना जल्दी हो आप एडमिशन लें क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके एग्जाम नहीं हुए तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आगे आ सकती है। ये पैटर्न आपने दिया ही नहीं एग्जाम का, पता ही नहीं आपको, इसलिए अपना एडमिशन फॉर्म ले ताकि सिस्टमेटिक आपकी पढ़ाई होती रहे। और मेरे दो सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का और दूसरा मतलब पहला सब्जेक्ट जो है वेबसाइट संचार और दूसरा कंपनी लो है। कंपनी लो जो है आपके लो की जैसे ही है, फर्स्ट टाइम आपको जो पढ़ा था बिजनेस लो सेम वैसे ही पेपर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हम बाद में देख लीजिए। तो पहले मैंने ये शुरू किया है सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में मैंने मार्केटिंग एरिया जो है वो पहले लिया है मैंने, क्योंकि पहले थोड़ा इजी हो जाएगा थोड़ा सा आप देख रहे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त है, नेक्स्ट।